सब परिवार से मिलाए हैं। इतना दूर हम पहली बार आए हैं मनी क्षेत्र में, और आप सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं। चुनाव का समय है और दीपा मांझी आप लोगों के बीच में खड़ी है, आप ही लोग की बहू है, बेटी है, बहन है, और हम संतोष मांझी, हमको तो आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग यहाँ से जाते हैं हम लोग के कार्यक्रम में, तो हम आप सबसे ही आरजू विनती करने आए हैं कि आप सब परिवार हैं, एक मौका हम लोग को दीजिए, क्योंकि आप 10 साल के लिए जितेंद्र मांझी जी को मौका दिए थे, अभी 9 साल चल रहा है, तो एक साल बचा हुआ है। जो भी काम है, हम तो कहेंगे कि जो भी काम छूट गया है, हम लोग सब मिल करके, हम भी MLC हैं, और वो भी अगर आप लोग के आशीर्वाद से बनेगी तो निश्चित तौर पर दो आदमी आपको मिलेगा, एक हम तो है ही, वो एक और आपकी प्रतिनिधि होगी, वो मिलेगी। तो हम यहीं पर आप सबसे विनती करने आए हैं कि एक मौका दीजिए, बाकी जो भी आपको शिकायत है, जो भी आपको काम है, आप हमसे भी बोल सकते हैं, श्याम सुंदर जी से भी बोल सकते हैं, और भी देखिए कहाँ गए, उनसे इनसे भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक बार फिर आप सबके बीच में हम लोग आए हैं, तो अपने सम्मान के लिए, अपना विकास के लिए, हम सबके विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, क्योंकि हम पार्टी है जो गरीबों के लिए काम करती है, और हम पार्टी आप ही लोग के कारण खड़ा है। आप लोग वोट देते हैं हम पार्टी को, तभी हम पार्टी को देश दुनिया जान रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा में, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी विजय हुआ था, जीतन राम मांझी जी विजय हुए थे, तब जाके हम पार्टी को पूरे बिहार में जानने लगा। तो हम पार्टी के कारण इमामगंज इतना महत्वपूर्ण हम लोग के लिए है, इमामगंज की जनता हम लोग के लिए भगवान समान है, और इस धरती को हम लोग माँ समान मानते हैं, इसलिए हम लोग बार बार यहाँ आए हैं। और हम समझते हैं कि जितना प्यार दुलार आप लोग ने जितना आशीर्वाद दिया है, दीपा को भी आशीर्वाद दीजिएगा, आप ही की बेटी है, आप ही की बहू है, समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपके बीच में आएगी और आप सबसे भी आशीर्वाद प्राप्त करेगी। बस इतना ही कहकर हम लोग जाते हैं, एक मौका दीजिए, 13 तारीख को चुनाव।